आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जबकि 144 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि अल्मोड़ा में 8, चंपावत में 2, देहरादून में 11, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 5, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 1, उधम सिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 कोरोना संक्रमण के मरीज मिले। वहीं मंगलवार को कोरोना संक्रमण से किसी एक की भी मौत नहीं हुई। ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले, तो ब्लैक फंगस के 4 केस मिले हैं जो एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराए गए। उम्मीदों को बोझ नहीं, अपनी विजय का आधार बनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे खिलाड़ियों से बात कर उनकी हौसला अफजाई की। पीएम ने मंगलवार को कहा कि देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों को बोझ बनाकर हावी नहीं होने दें। अपनी जीत की नींव बनाएं, देश को आपके परिश्रम के बेहतर नतीजों का इंतजार रहेगा। 2 विश्व कप दिलाने वाले यशपाल शर्मा का निधन। तो पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य यशपाल शर्मा नहीं रहे। उनका 66 साल की उम्र में मंगलवार को यहां दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रदेश में इस साल भी नहीं होगी कांवड़ यात्रा। तो सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते लिया फैसला। तो कोविड के तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए लोगों के जीवन का मूल्य अधिक है, आम जन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा स्थगित करने की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया। विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। फिर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा नहीं कराने का निर्णय लिया गया। बिना मास्क भारी भीड़ ठीक नहीं, कैसे रोकेंगे तीसरी लहर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हिल स्टेशनों, बाजारों में बिना मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किए बिना भारी भीड़ उमड़ना गंभीर चिंता का विषय है, यह ठीक नहीं है। यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि तीसरी लहर को आने से कैसा रोका जाए, हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बारिश ने रोक दी प्रदेश में 150 सड़कों पर आवाजाही। तो प्रदेश में मंगलवार को हुई बारिश ने फिर से कई सड़कों पर आवाजाही ठप कर दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण करीब 150 सड़कें बंद हो गई। परिवहन निगम कर्मियों की प्रबंधन से वार्ता विफल, आज से हड़ताल। तो वेतन अदा करने, ऋण समितियों को वेतन से भुगतान न करने सहित कई फैसलों पर विरोध जता रहे रोडवेज के कर्मचारी संगठनों की प्रबंधन से वार्ता विफल हो गई। उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे बसों का संचालन भी प्रभावित हो जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को बेवजह लटकाने पर राजभवन सख्त। तो प्रदेश में विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को बेवजह लंबे समय तक लटकाए जाने के मामले पर राजभवन ने सख्त नोटिस लिया है। कुलपतियों और शासन के अधिकारियों की बैठक में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कड़े अंदाज में ताकीद किया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर अनावश्यक रूप से देरी नहीं की जाए। हमारी अरज सुनो, मांगे जल्दी पूरी करो। तो स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए मिले विभागीय अवकाश। तो जिले में अटल आदर्श विद्यालयों के शुभारंभ के बाद रिक्त पदों में शिक्षकों की तैनाती के लिए 15 जुलाई को स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। परीक्षा में भागीदार करने वाले शिक्षकों ने जिले के भ्रमण पर आए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपकर स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए विभागीय अवकाश देने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान निधि बढ़ाओ। तो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने आंदोलनकारियों की सम्मान निधि को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। जल्द पूरी की जाए प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। तो बीएड टीटी प्रथम परिचितों ने अल्मोड़ा भ्रमण पर आए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर प्राथमिक स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के पदों पर वर्षवार आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में 31 मार्च 2021 तक के सभी रिक्त पदों को शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड सरकार न्यायालय में ठोस पैरवी कर निस्तारण करवाए।
रिक्त पदों पर सरकार के अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कई बेरोजगार सरकारी सेवा से नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा के करीब हैं, ऐसे में उनके लिए स्थायी रोजगार की उम्मीद समाप्त हो जाएगी। फार्मासिस्टों ने सीएम से की नियुक्ति की मांग, तो प्रशिक्षित बेरोजगार एलोपैथिक डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ ने प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में वन, गृह, वित्त, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा से संबंधित मसलों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की सेवा नियमावली में संशोधन, आपदा प्रबंधन विभाग के ढांचे, 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने, अधिप्राप्ति में नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मिलेगा दोगुना अनुदान, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब दोगुना अनुदान मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। 50 दिन में भरे जाएंगे NHM के 1865 पद, तो प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 50 दिन के भीतर नर्स, ANM व अन्य के 1865 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियां गठित की जाएंगी। सरकार ने रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में जल्द 100% टीका करने का लक्ष्य भी रखा है। चार साल में आबकारी विभाग को लगी 93 करोड़ की चपत, तो चार साल में आबकारी विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लग गया है। इसकी वजह शराब की दुकानों में करोड़ों के अधिभार की वसूली न हो पाना है। अब तक विभागों को 93.2 करोड़ के राजस्व की चपत लगी है। 15 अगस्त तक योजनाओं के शासनादेश निकालें, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी योजनाओं, कार्यक्रम और अन्य कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाने चाहिए। उत्तराखंड में रोक, यूपी में होगी कांवड़ यात्रा, तो राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक बरकरार रखी है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। यूपी में होगी यात्रा, तो मंगलवार देर शाम उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी। उधर मेरठ जोन के DG राजीव सबरवाल ने मंगलवार को पूरे जोन के अफसरों के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। प्रदेश सरकार की ताज़ा रुख के बाद यह माना जा रहा है कि कांवड़ यात्रा गढ़मुक्तेश्वर व बुलंदशहर के आहार से शुरू होगी। नीट परीक्षा 11 सितंबर को, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नीट PG प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित होगी। इसमें MBBS कर चुके छात्र PG में प्रवेश के लिए परीक्षा देंगे। देश में सितंबर से बनेगा स्पुतनिक टीका, तो रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने मंगलवार को कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर से अपने संयंत्रों में स्पुतनिक टीके का उत्पादन शुरू करेगा। ओलंपिक, उत्तराखंड की बेटी बोली मेडल लेकर आऊंगी, तो हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद से विश्वभर में नाम कमाने वाली महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मिडफील्डर खिलाड़ी वंदना कटारिया ने मंगलवार को अपने परिजनों से बातचीत की। इस दौरान वंदना ने कहा कि उनका लक्ष्य जीत हासिल कर भारत को मेडल दिलाना है। उन्होंने कहा कि वह देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगी। काठगोदाम जम्मू तवी गरीब रथ ट्रेन फिर शुरू, तो करीब 1.25 साल बाद मंगलवार से काठगोदाम से जम्मू तवी जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू हो गया है। पहले दिन तकरीबन 200 यात्री लेकर ट्रेन रवाना हुई। रामनगर में नहर से युवक का शव मिला, तो ग्राम पिरुमदारा उदयपुरी चौपड़ा की सिंचाई नहर में मंगलवार को सुबह एक युवक का शव मिला। सूचना पर कोतवाल आशू तोष कुमार पिरुमदारा चौकी इंचार्ज भगवान सिंह मेयर और SI PC मासीवाल घटनास्थल पर पहुंचे। जल भराव से देहरादून में मुश्किलों से घिरे लोग, मसूरी में बारिश से उड़ी बिजली और कई सड़कें बंद रही, तो मसूरी में मंगलवार का दिन मुसीबत भरा रहा। कहीं मलबा और पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई, तो कहीं पोल टूटने से बिजली गुल रही। यमुनोत्री हाईवे पर यातायात बाधित रहा।
देहरादून में 9 घंटे में 22.4 mm बारिश दर्ज की गई। प्रेमनगर में हाईवे पर बनी दीवार 6 महीने में ही ढह गई। निजी बस ऑपरेटरों ने यात्री किराया बढ़ाया तो डीजल के रेट बढ़ने के कारण कई निजी बस ऑपरेटरों ने खुद ही किराया बढ़ा दिया। अभी किराया बढ़ोतरी को लेकर के शासन से गठित समिति प्रस्ताव तैयार कर रही है। इससे पहले ही निजी बस ऑपरेटर प्रमुख बस स्टेशनों के बीच यात्रियों से 10 रुपये तक बढ़ाया हुआ किराया लेने लगे हैं। दून में कई ब्रांड ने दूध के दाम 2 रुपये बढ़ाए तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ अब दूध के दामों में भी इजाफा हुआ है। लर्निंग डीएल के लिए नए स्लॉट अभी नहीं तो नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदकों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवेदन करने वाले सभी लोग के डीएल नहीं बन जाते तब तक नए स्लॉट नहीं खोले जाएंगे। पहले सेमेस्टर के छात्र प्रमोट होंगे तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के पहले सेमेस्टर के छात्र प्रमोट होंगे। इंटरनल एग्जाम के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। डीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने बताया कि विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में तय किया गया है कि पहले सेमेस्टर की परीक्षाएँ नहीं होंगी। बाबा के हाई प्रोफाइल संपर्कों की गोपनीय जांच करा रही सरकार। तो इसी केस में ज्वेलर की पत्नी को सम्मोहित कर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है कथित बाबा। बेटी को डॉगी दिलाने के चक्कर में मां ने 63 लाख रुपए गवाए तो महिला की बेटी की जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए डॉगी खरीदना था लेकिन वह इंटरनेट से ठगी के जाल में फंस गई। 15,000 के डॉगी को खरीदने के लिए महिला ने ठगों के खाते में 63 लाख रुपए जमा करा दिए। साइबर थाने ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, शाम को टहल रहे बुजुर्ग से फोन और पैसे छीने। तो शाम को टहलने निकले बुजुर्ग से नकदी और मोबाइल छीनकर भागे युवक को रायपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, देहरादून से 3 स्कूलों के पास ठेका खोलने के से भड़के लोग। तो राजपुर रोड पर 3 शिक्षण संस्थान के नज़दीक शराब का ठेका खोलने से भड़के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सेवा योजन भी दे सकेगा सरकारी नौकरी। तो यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी वित्तीय वर्ष में सेवा योजन विभाग एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने लगेगा। सेवा योजन निदेशालय ने आउटसोर्सिंग एजेंसी का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। दरअसल बीते दिनों श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा था कि राज्य सरकार नियुक्तियों के लिए सेवा योजन विभाग के जरिए नई आउटसोर्स एजेंसी बना रही है जिससे राज्य के युवाओं को विभागों में नौकरी दी जा सके। SC ST के बैकलॉग पदों पर जल्द भर्ती की जाए। तो वन विकास निगम की SC ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैकलॉग के पद जल्द भरने की मांग उठाई है। साथ ही कहा कि स्थायी या आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। MD ने सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता नहीं। तो तथार्थ में परमानेंट हुए शिक्षकों का नियुक्ति की तारीख से सीनियर का दावा सरकार ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट और लोक सेवा अभिकरण के आदेश पर जारी लंबी सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश किए हैं। 1 अक्टूबर 1990 से नियुक्त तथार्थ शिक्षकों की नियमितीकरण की तारीख के बजाय नियुक्ति तिथि से सीनियरिटी देने का स्थायी शिक्षक विरोध कर रहे थे। वन रावतों को वैक्सीन लगाने के मामले में प्रति शपथ पत्र दें। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के वन रावतों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने के मामले में लिखे पत्र का स्वसंज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। बंद सड़कों को खोलने में आ रही दिक्कतें। तो 150 सड़कें बंद, कई सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध, नदी नाले उफान पर, तटों पर बसी आबादी को किया गया अलर्ट। गंगोत्री हाईवे पर 7 घंटे तक आवाजाही ठप रही। परीक्षा की अनुमति दे मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो प्रदेश में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए 15 जुलाई को स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को इसके लिए प्रिंसिपल के स्तर से अनुमति दी जाएगी। वहीं खबर है, रुड़की से बीमार बच्ची को अस्पताल से लौटाया।
तो रेडे पर प्रसव के बाद बीमार नवजात को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे परिजनों को सुरक्षा गार्डों ने डॉक्टर नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया। समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार दिलाया। देर रात डॉक्टरों ने बच्ची को छुट्टी दे दी। सुबह स्वास्थ्य विभाग की फजीहत हुई तो CSC प्रभारी ने एम्बुलेंस भेज जच्चा बच्चा को अस्पताल बुलवाया और भर्ती कराया, साथ ही जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में PG की 4 सीटों को मंजूरी दी मिली है। वेब सीरीज देखकर बनाया लूट का कारपोरेटर गैंग, तो हरिद्वार में 2 करोड़ की डकैती ताऊ गैंग ने कर डाली थी। इसके लिए सरगना सतीश चौधरी ने वर्ष 2017 में रिलीज स्पेशनिज वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर लुटेरों का कारपोरेट गैंग बना डाला था। इसमें रैकी वारदात, फरारी माल खपाने और पेमेंट लेने के लिए उसने अलग अलग आमदनी रख रखे थे। बिना लाइसेंस बुकिंग कर रही थी रेड बस, CEO को नोटिस। तो मोटर वाहन अधिनियम के टिकट बुकिंग के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वहीं खबर देहरादून से, फर्जी RT-PCR रिपोर्ट के साथ पहुंचे 25 सैलानी पकड़े गए हैं। हवा में नमी कम होते ही तेज हो सकता है कोरोना संक्रमण। तो बरसात के मौसम में आर्द्रता ने कोरोना वायरस को कमज़ोर कर दिया है, फिर भी खतरा टला नहीं है। संक्रमण की रफ्तार हवा में नमी कम होते ही तेज हो सकती है, ऐसे में अभी भी एहतियात उपाय नहीं अपनाए गए तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। केम्प्टी क्षेत्र में भारी बारिश, 5 घंटे बंद रहा हाईवे। तो विकास नगर, नौगांव, बड़कोट, पुरोला, जौनपुर क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहा। वहीं साइए से खबर आई है, मलबा आने से कालसी चकराता मोटर मार्ग 14 घंटे तक बाधित रहा। डंपर की चपेट में आने से युवती की मौत, सिलापुर से खबर आई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य बाजार में डंपर की चपेट में बाइक आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को इलाज के लिए CSC सैसपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं। तो वीर माधव सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU में 10 पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ जुलाई के तीसरे हफ्ते में होंगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बात करते हैं जॉब पर अलर्ट को लेकर के, तो युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का अवसर। तो सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। खेल कोटा के तहत विभिन्न पद रिक्त, तो 57 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का मौका, तो 797 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की जरूरत, 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हरेला पर्व पर इस बार फिर बनेगा रिकॉर्ड। 16 जुलाई को जिला प्रशासन की अगुवाई में जिले में चलाया जाएगा सघन पौधारोपण अभियान। तो 4 लाख पौधे जिले भर में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राजा जी में सफारी और अतिथिगृहों की बुकिंग अब ऑनलाइन होगी। नाबालिग को वाहन दिया तो होगी जेल। अगर आपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को दिया तो आपके लिए कतई ठीक नहीं होगा। परिवहन विभाग अभियान चलाकर ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई करेगा। पकड़े जाने पर 25,000 रुपये जुर्माना और अभिभावकों को 3 साल की जेल हो सकती है। 16 से शुरू होगा सावन, 19 को पहला सोमवार। तो पहाड़ी क्षेत्रों में 16 जुलाई संक्रांति से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में भक्त जलाभिषेक करेंगे। 19 जुलाई संक्रांति के अनुसार पहला सोमवार 19 जुलाई को है। मैदानी क्षेत्रों में पूर्णमासी से पूर्णमासी तक सावन का महीना मानते हैं। इसके अनुसार पहला सोमवार 26 जुलाई को होगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो पुलिस ने लेंस डाउन में काटे 40 पर्यटकों के चालान। खतरे में हर्षिल पुल, प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। रोजी हत्याकांड में पति और ससुर गिरफ्तार, तो कोटद्वार से खबर आई है। दोनों को कोर्ट में किया पेश, 9 जुलाई को नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। वहीं खबर आई है, टीरी में गदेरा पार करते वक्त बही महिला को बचाया। तो कोटी गदेरे को पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बही एक महिला को मजदूरों ने सकुशल बचा लिया।
खबर है थराली से लोल्टी गदेरे में बहे युवक का शव बरामद। सोमवार तड़के हुई भारी बारिश से कर्णप्रयाग अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर उफनते लोल्टी गदेरे में बहे गरुड़ निवासी और कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर सुबह चंद्र का शव बेनोली गांव के पास गदेरे में पत्थरों के बीच फंसा मिला। आज गुप्तकाशी में रैली निकालेंगे तीर्थ पुरोहित, तो देवस्थान बोर्ड के विरोध में 31वें दिन भी धरना जारी रहा। अगस्त मुनि में रिंग रोड का सपना नहीं हो पाया पूरा, तो वर्षों से अधर में लटका है स्वीकृत सड़कों का निर्माण। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन में प्रवेश पर रोक, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय प्रशासन भवन में छात्रों व अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने से छात्रों में आक्रोश है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। ताऊ गैंग के 5 बदमाश धरे, लाखों का माल बरामद हुआ है। हरिद्वार में कोविशील्ड के भी टीके लगे, तो टीकाकरण के लिए प्रशासन को 10,000 डोज मिले हैं। रेडी पटरी व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन, तो रेडी पटरी व्यापारियों ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पर नगर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारी नेताओं ने लघु व्यापारियों को वेडिंग जोन में स्थापित किए जाने की हिला हवाली पर रोष जताया है। बारिश से मिली राहत, जल भराव से दिक्कत, धर्मनगरी के लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली निजात। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास, तो 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो जिला जज अंजलि नोनियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। चालक ने एम्बुलेंस बोल्डर से टकरा, बचाई 4 जिंदगियां। तो हेड़ाखाल में गर्भवती को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी जा रही 108 एम्बुलेंस का ब्रेक मंगलवार को सुबह फेल हो गया। एम्बुलेंस चालक ने अपनी और 3 अन्य की जान बचाने के लिए सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को पहाड़ी के किनारे बोल्डर से टकरा दिया। हादसे में चालक घायल हो गया। एम्बुलेंस के अगले भाग को तोड़कर बाहर निकाला गया। चालक का कहना था कि ब्रेक सूज गर्म होने से यह दुर्घटना हुई। वही खबर है हल्द्वानी से, चेकिंग में 90 क्विंटल अवैध बिरोजा पकड़ा गया। नैनीताल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, तो मलबा आने से आधे घंटे तक रोकना पड़ा यातायात। सामान्य पेट्रोल शतक से 3 रुपये दूर, प्रीमियम 100.26 और सादा 97.03 रुपये प्रति लीटर पहुंचा। रामनगर से खबर है, शराब की बिक्री पर भड़की महिलाएं, तो प्रदर्शन कर पिरुमदारा पुलिस चौकी का घेराव किया। वहीं हल्द्वानी से खबर है, कोविशील्ड की 10,000 डोज मिल गई है। दाखिले के लिए 17,137 पंजीकरण, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय बीए बीएससी और बीकॉम में सर्वाधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने में शिक्षकों के छूटे पसीने, तो उत्तराखंड बोर्ड के फॉर्मूले के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का परीक्षा फल तैयार करने में शिक्षक जुटे हैं। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों के सामने 17 जुलाई तक रिजल्ट तैयार कर उपसंकलन केंद्र को भेजना चुनौती बन गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सड़क पर डामर न किया तो आंदोलन, तो परेशानी से गुस्साए लोगों ने कहा वर्षों से नहीं हुआ जनकांडे सड़क का डामीकरण। डीडीहाट में कांग्रेस का धरना हुआ। थल सेना भर्ती 16 को री मेडिकल करवा लें, तो थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के निदेशक ने बताया कि थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अधीन 24 फरवरी से 12 मार्च 2021 तक सेना छावनी रानीखेत में आयोजित रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को री मेडिकल करवाने के लिए सैनिक अस्पताल बरेली में रेफर किया गया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने एक बार भी सैनिक अस्पताल बरेली में रिपोर्ट नहीं की वह सेना अस्पताल बरेली में 16 जुलाई को प्रातः 6 बजे री मेडिकल करवा लें। बारिश बनी बवाल, ए जान मुसीबत हर पल, लोग परेशान, तो चीन सीमा को जोड़ने वाली 3 सड़कों के अलावा 9 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। ग्लेशियर खिसकने से मल्ला जोहार में 100 से अधिक बकरियां दब गई, तो मुनस्यारी के मल्ला जोहार में नंदा देवी बेस कैंप के पास ग्लेशियर खिसकने से बुग्याल में चर रही 100 से अधिक बकरियाँ
भेड़ बर्फ़ में दब गई। ग्लेशियर टूटने से चरवाहों का राशन और अन्य सामान भी बर्फ में दब गया। बग्वाल मेले पर 22 जुलाई को किया जाएगा अंतिम निर्णय। 40 रुपये में बिक रहा कड़कनाथ मुर्गी का अंडा, तो सतगढ़ के दीपक ने शुरू किया कड़कनाथ मुर्गी का पालन। 1500 रुपये प्रति किलो बिक रहा है मांस। वही खबर ये है, अल्मोड़ा से रानीधारा में तेंदुआ पिंजड़े में कैद, तो वन विभाग की टीम ने मेडिकल परीक्षण के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो कर निर्धारण में भेदभाव करने पर हंगामा हुआ। पंतनगर विश्वविद्यालय 7 गुना बढ़ेगी बीज उत्पादन की क्षमता। गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे किसान, तो दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में सहभागिता के लिए गुरुद्वारा सिंह सभा ने मंगलवार को किसानों की बैठक हुई। तलाकशुदा महिला को दुष्कर्म के बाद पीटा, तो पिटाई का वीडियो किया वायरल। स्थानीय पुलिस की कार्रवाई न करने पर महिला ने एसएसपी से मांगा न्याय। वही खबर है, बाजपुर से संदिग्ध हालत में महिला समेत 3 की मौत हो गई। बाइक से उतरकर सड़क पर लेटा और मर गया। संदिग्ध हालत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन शव को अपने साथ यूपी स्थित घर ले गए। वहीं खबर आई, जसपुर से सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जसपुर से खबर आई, जहर खिलाने के 4 माह बाद विवाहिता ने दम तोड़ दिया।